हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो मंदिर, जो कि बिल्कुल जो वैष्णो देवी हैं जम्मू में उन्हीं की जैसा है। और यहाँ पर वैसी ही एक गुफा बनाई गई है, तो चलिए चलते हैं इनके दर्शन करने के लिए। तो गाइज, अब हम आपको यहाँ की मेन अट्रैक्शन दिखाने वाले हैं, जो कि है यहाँ की गुफा। और ये जो गुफा है, इन्हें इंस्पायर होकर बनाया गया है। जो सेम वैष्णो देवी धाम में गुफा हैं, उन्हीं से थोड़ा सा इंस्पायर होकर इन गुफा को बनाया गया है, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा फील आए कि आप वैष्णो देवी धाम में पहुँच गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है, और अब हम आपको उन्हीं गुफा के अंदर लेकर जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं वहाँ पर भी। तो गाइस, जब आप यहां पर एंटर करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर चरण पादुका रखी गई हैं, और उसके बाद ये यहां पर गुफा का प्रवेश द्वार है। तो जब आप अंदर गुफा में आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब ये प्राकृतिक गुफा को काफ़ी हद तक रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई है, इसीलिए इसे इस तरीके का कलर दिया गया है, और मतलब काफ़ी सरफेस भी उसी तरीके का रखा गया है। तो काफ़ी मतलब अच्छी कोशिश करी गई है रेप्लिकेट करने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर अर्धकुमारी नौ माता मंदिर भी हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि नौ माता मंदिर बनाए गए हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ पर गुफा में पिंडी दर्शन करने आ चुके हैं।
जय माता जी। सभी भक्तों को मेरी तरफ से मैं साहिल शर्मा, माँ वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे गाजियाबाद हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के सपनावत गांव में माँ वैष्णो देवी गुफा वाला मंदिर पे, ये माँ तीन पिंडी स्वरूप में जो माँ वैष्णो देवी कटरा के हैं उन्हीं का पूर्ण स्वरूप बनाया गया है। जिस तरह माँ काली हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हैं, ये पिंडी रूप में पीछे मूर्ति रूप में, ये जो दिव्य ज्योति जल रही है जे अखंड ज्योति माँ वैष्णो देवी कटरा से लाई गई थी 2017 में, आज 3 साल हो गए इसको प्रचलित हुए हुए। धन्यवाद। तो गाइस, जैसे आपको वैष्णो धाम कटरा में माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की गुफा में जाना होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी भैरव बाबा गुफा बनाई गई है और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा गुफा। तो गाइज, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको मंदिर कैसा लगा लिखकर ज़रूर बताएं, और साथ साथ में जय माता दी भी ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में।